आज का टॉपिक जो हमारा है वो है ITES। ITES का फुल फॉर्म जो है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलैबोरेट सर्विस। समझना है ताकि हम ITES को अच्छे से समझ पाए। पहले IT देखते हैं, IT होता क्या है। IT का जो फुल फॉर्म है, जैसे कि ITES का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलैबोरेट सर्विस, तो IT का जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंफॉर्मेशन हम लेते हैं या किसी को देते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आजकल हमारे पास, सब लोगों के पास स्मार्टफोन्स होते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ से जाके सोशल नेटवर्क पे जाते हैं, सोशल नेटवर्क पे हम कोई भी मैसेज यहाँ से डालते हैं या वहां से कोई भी हम मैसेज इंफॉर्मेशन वहां से कोई भी हम लेते हैं, वो क्या है, टेक्नोलॉजी। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी जो भी हम इंफॉर्मेशन लें या शेयर करें उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। या कंप्यूटर्स पे हम काम करते हैं या हम लैपटॉप पे काम करते हैं, तो जो सारा कुछ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। या हम आजकल देखते हैं कि जो हम कस्टमर्स को सर्विस दे रहे हैं, कस्टमर्स को हम सर्विस दे रहे हैं, उसका कुछ टेक्निकल फॉल्ट होता है, हम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उसको सर्विस देते हैं, सर्व करते हैं उसको, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो गाइज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आप लोगों को समझ आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। इसके बाद हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है ITES। ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। चलो देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस होता क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस का मतलब ये हुआ कि वो टेक्नोलॉजी जो हमें मदद करती है सर्विस देने में। अब हम सर्विस देते किसको है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। हम सर्विस देते हैं कस्टमर को, एक कंपनी का कस्टमर है, वो उनसे कुछ प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसके बाद हम उसको बोलते हैं कि हम आपका ये जो जब कभी भी आपको प्रॉब्लम होगी हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको अच्छे से सर्विस देंगे। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम उसको सर्विस देते हैं। ये मैं एग्जांपल आपको बोल देता हूँ कि हमारे पास तो सब लोगों के पास फोन है। आज कभी कभार क्या होता है, हमारे फोन में कोई प्रॉब्लम होती है या हमारा नेटवर्क कोई इश्यू हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं। हम कस्टमर होते हैं ना उनके, किसी चाहे हम जियो का ये इस्तेमाल करते हैं सिम कार्ड या एयरटेल का करते हैं, हम करते हैं उनको कॉल। ये फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो कि मैं जियो का जो हूँ, मैं उनका ये कस्टमर हूँ, मेरा कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आता है, कोई भी नेटवर्क फॉल्ट आता है, मैं करता हूँ काम, मैं उनको कॉल करके बोलता हूँ ऐसा ऐसा आज प्रॉब्लम हुआ मेरे फोन में, ये प्रॉब्लम, मेरा नेटवर्क ठीक नहीं है, कुछ भी जो भी होगा, तो क्या करता हूँ काम उनको जो ही मैंने बोला वो मुझसे बोल रहे क्या क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने जो ही सुना प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद वो ये सर्विस दे, उसके बाद वो सोल्यूशन देते हैं, उसका जो सोल्यूशन देते हैं मुझे वो मुझे सर्विस देते हैं। मैं तो देख नहीं पाता हूँ ये क्या करे, मैं उसको टच नहीं कर पा रहा, बट मैं फील कर पा रहा हूँ। सर्विस वो होता है जो हम देख नहीं पाते, इंटेंजिबल होता है, बट उसके बदले में क्या करते, उसके बदले में हम पे उसको करते हैं, हम ऑलरेडी हमने पे किया होता है, तो सर्विस वो होता है। सो गाइस, ये हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस, वो टेक्नोलॉजी जो हमें मदद करती है सर्विस देने में, किनको, कस्टमर्स को जब हम सर्विस देते हैं उनको, जो ये टेक्नोलॉजी हमें मदद देती है सर्विस करने में उसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। इसका और एक पार्ट है, हम इसका और एक पार्ट देखते हैं, उसका नाम है BPO। BPO वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है आजकल वर्ल्ड में। तो हम देखते हैं BPO होता क्या है। BPO को की जो फुल फॉर्म है वो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को समझने के लिए हमें पहले क्या करना है, जिसमें मैंने पहले ही बोला ITES को समझने के लिए हमें पहले ITES को ब्रेक करना है, ऐसे ही हमें बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को समझने के लिए ब्रेक करना है। पहले हम देखेंगे बिजनेस होता क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये तीन टर्म है, जब हमें पता चलेंगे अलग अलग हम देखेंगे ये होता क्या है, तो फिर आप आसानी से समझ सकेंगे BPO असल में होता क्या है। बिजनेस तो हमने सब लोगों ने सुना होगा, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, तो असल में मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं जानता हूँ बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक वो हम कह सकते हैं, बिजनेस एक ऐसा ट्रेड है जिसमें हम प्रोडक्ट बाई करते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसमें हम सर्विस देते हैं कस्टमर्स को, सर्विस लेते हैं, उस वो एक बिजनेस होता है जहाँ पे प्रोडक्ट एंड ये जो सर्विस होता है उनका बाइंग एंड सेलिंग जहाँ पे होता है, तो किसके लिए मगर होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए होता है। जिनका ये मकसद होता है हम प्रॉफिट कमाएं, उसको बिजनेस कहते हैं, उसको बिजनेस, जिनका मोटिव होता है हम प्रॉफिट कमाएं विद द हेल्प बाय गिविंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस टू देयर कस्टमर्स,
तो वो होता है बिजनेस प्रोसेस। वो होता है जब हम बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें जो भी हम स्टेप्स लेते हैं, जो भी हम स्टेप्स उसमें करते हैं, हम ये बोले कि हमें प्रोडक्शन करनी है, हमें कोई ये मार्कर बनाना है। मार्कर बनाने में जो हमें चाहिए, एक तो पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें मशीनरी चाहिए, हमें ये इसके लिए काम करने के लिए मजदूर चाहिए, वहां पे हमें बाकी सारा कुछ ये चाहिए, क्वालिटी चाहिए अच्छी। जो कुछ कोई भी स्टेप हम ले रहे हैं, जितना भी हम इस पे खर्च कर रहे हैं, जितना भी हम ये प्रोडक्ट बनाने में जितने भी हम स्टेप्स ले रहे हैं, उसको कहते हैं प्रोसेस। कोई भी काम करने का तरीका, हम कैसे ये काम करें, वो स्टेप्स लेने, उसको प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद आते हैं आउटसोर्सिंग में। आउटसोर्सिंग होता है जब हम किसी जब पैरेंटल कंपनी कोई थर्ड पार्टी को हायर करती है कि आप मेरे बदले मेरे कस्टमर्स को सर्विस दो, उसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। और वो उसको कॉन्ट्रैक्ट में ये बोलते हैं कि अगर आप मेरे कस्टमर्स को अच्छे से सर्विस दो, मेरे कस्टमर्स को मेरे बिना पे सर्विस दोगे तो मैं आपको उसके लिए पे करूंगा। वो होता है आउटसोर्सिंग, जब पैरेंटल कंपनी हायर करती है किसी थर्ड पार्टी को, इसलिए कि आप मेरे कस्टमर्स को सर्विस दो तो इसके बदले में मैं आपको पे करूंगा, वो होता है आउटसोर्स। इसका मतलब बीपीओ का जो हो फुल फॉर्म, बीपीओ जो अब हम समझेंगे बीपीओ क्या होता है। अब असल में बीपीओ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पैरेंटल कंपनी और थर्ड पार्टी के दरमियान में, एक ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो उनको बोलते हैं आप हम मेरे कस्टमर्स को, पैरेंटल कंपनी के जो कस्टमर्स होते हैं, आप मेरे कस्टमर्स को ये दे दो, सर्विस दे दो, उसके बदले में मैं आपको पे करता हूँ। मगर सर्विस जो जो काम पैरेंटल कंपनी इसको देते, आउटसोर्सिंग करते थर्ड पार्टी को देते, वो असल में उनका मेन वर्क नहीं होता, वो नॉन प्राइमरी वर्क होता है। वो जो उनका मेन वर्क है उस पे फोकस्ड रहने के लिए, वही उसमें फोकस्ड रहने के लिए वो नॉन प्राइमरी वर्क जो उनका होता है उसको आउटसोर्स करते हैं। सो गाइज, मुझे लगता है आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह।